आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज पानीपत जिले के ब्राह्मण समाज की एक अहम बैठक पानीपत के सेक्टर 18 के सामुदायिक केंद्र में संपन्न हुई। ब्राह्मण समाज के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि समाज ने यह निर्णय लिया है कि पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट पर जो भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी से टिकट लेकर अपनी उम्मीदवारी पेश करेगा उसको पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होकर समर्थन देगा। उन्होंने बताया कि आगामी रूपरेखा तैयार करने के लिए 23 दिसंबर को ब्राह्मण समाज एक बड़ी रैली कुरुक्षेत्र पिपली में करके सरकार को अपनी ताकत दर्शाएंगे। वहीं हरियाणा ब्राह्मण समाज के प्रदेश महासचिव ने बताया कि ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी पूरे हरियाणा भर में प्रत्येक जिले के विधानसभा क्षेत्र में समाज के बीच लोगों को जागरूक करने जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर पार्टियां ब्राह्मण समाज बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र से समाज के प्रत्याशी को टिकट नहीं देती हैं तो आजाद के रूप में समाज का प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर ब्राह्मण वोटरों की संख्या 5,000 से 55,000 तक है। ब्राह्मण समाज का उन्हीं सीटों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। आज समस्त ब्राह्मण समाज की विधानसभा 2019 में पानीपत ग्रामीण सीट के लिए ब्राह्मण समाज की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें यह तय किया गया अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हो, जो भी ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को टिकट देगी समाज उसी का साथ देगा। अगर कोई विधायक, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं देती तो निर्दलीय समाज का कोई अगर उम्मीदवार उतरता है तो उसका साथ नहीं दिया जाएगा, ये समाज ने तय किया है। और आगामी रूपरेखा के लिए 23 दिसंबर को एक पल हमने पिपली में कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ी ब्राह्मणों का रैली रखी है, उसमें हम सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लिए टिकटों की मांग करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता राजेश कौशिक एडवोकेट। समाज की बैठक है, हाँ जी, उसमें क्या क्या हुआ है, क्या आपको लगा कि भी ऐसा नैया पार हो जाएगी 2019 में भी कोई ब्राह्मण विधायक बनेगा? कोशिश करेंगे हम एक तक जुटाने के लिए, मतलब इस चीज काम के लिए लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी मीटिंगें चलेंगी, अब सारा वो होगा, सिस्टम को बनाएंगे सारे, उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मीटिंग कर करके हर जगह जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और जहाँ हमारी वोटें ज़्यादा से ज़्यादा हैं, कम से कम हैं 5,000 से और 55,000 तक वोट है हमारी कई 30-35 विधानसभा क्षेत्रों में, कम से कम वहाँ तो हम बिल्कुल अवश्य जाएंगे। और अपने उम्मीदवार अगर सर कोई पार्टी हमें नहीं देगी टिकट तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार करेंगे अपने। कोई मुख्यमंत्री के रूप में भी किसी ब्राह्मण को प्रोजेक्ट करोगे? मुख्यमंत्री अभी तक तो हम विनोद शर्मा जी के साथ उसमें ही वो करेंगे, बाद में फिर देखते हैं जैसे भी उनका आदेश होगा। अभी तक तो उनके नेतृत्व में ये रैली जो टिप्पणी कर रहे हैं हम, विनोद शर्मा जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। क्या नाम? विजेंद्र शर्मा।